वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल या मेरे चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो को जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज बात करेंगे, अगर पुलिस द्वारा आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी किसी के साथ मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप जाते हैं। अगर एफआईआर दर्ज एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस थाना अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आप क्या कर सकते हो, क्या उपाय है। अगर आप बार बार, जैसे आज आपने एप्लीकेशन दे दी और कल जाके पूछते हो तो आपकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये घटना हर व्यक्ति के साथ घटती है, हर व्यक्ति इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार वाले आपके साथ अगर मारपीट हो जाती है तो आप संभवती बात है कि आप कंप्लेन लेकर पुलिस थाना जाओगे। अगर पुलिस थाना अधिकारी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता है या उस पार्टी से मिलकर वो आपकी दर्ज नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस कंप्लेन की फोटोकॉपी लेके आप एसपी के पास, उससे उच्च अधिकारी के पास जाइए। अगर एसपी भी आपकी बात नहीं सुन सकता है तो आप वकील से सलाह लीजिए। अगर एसपी आपकी बात नहीं सुनता है तो वकील से सलाह लीजिए। वकील के द्वारा आप कोर्ट में एक इस्तगासा पेश कीजिए। 100 इस्तगासा पेश करने के बाद वो सारी घटना आपको उसमें बतानी पड़ेगी कि मेरे इस दिन ये लड़ाई हुई थी, उसने मेरे साथ मारपीट की, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद आप जिस कंप्लेन को आपने थाने में दी थी प्लस एसपी को दी थी, उस कंप्लेन को उस इस्तगासा के साथ लगा दीजिए और जो संबंधित थाना है उस कोर्ट में आप इस्तगासा वकील के माध्यम से पेश करवा दीजिए। अगर उसके बाद वहां इस्तगासा पेश होने के बाद स्टेज होती है कि वहां पहले रिपोर्ट होती है कि ये इस संबंधित क्षेत्राधिकार में है कि नहीं है, अगर उस संबंधित क्षेत्राधिकार में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई उस कोर्ट में, तो उस कोर्ट में जो बहस होगी उसमें हर चीज आपको बतानी पड़ेगी कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मेरे साथ ये हुई है, उसके बावजूद भी पुलिस ने मेरी कोई नहीं सुनी और मेरे खिलाफ उल्टे मुझे डांट रहे हैं और आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी चीजें देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगे कि वाक्य में ये संगीन प्रकरण है, उस मामले में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) में आदेश करती है कि आप संबंधित थाने को 156(3) में आदेश करके संबंधित थाने को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों उस 156(3) में अगर दर्ज होने के बाद तब उस थाने को रिपोर्ट दर्ज करना ही पड़ेगा, ये कोर्ट का आदेश है कि 156(3) में। इसलिए ये सारी चीजें होने के बाद आप उस वकील के माध्यम से क्या बयान करवाना है, क्या नहीं करना, सारी चीजें आपको देख बतानी पड़ेगी। जो वकील कहे उसके माध्यम से आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई आपकी नहीं सुनता है तो आप वकील से सलाह ले लेनी चाहिए। अगर 156(3) में कोर्ट ने आदेश कर दिया तो पुलिस थाना अधिकारी को वो कंप्लेन या वो रिपोर्ट दर्ज, एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके साथ कोई ऐसी घटना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी घटना है तो आप जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें।